मुझे बताइए, ड्राई फ्रूट खाना आप लोगों को कैसा लगता है? मुझे तो बहुत पसंद है। इवन मुझे लगता है कि हर एज ग्रुप के लोगों को ड्राई फ्रूट खाना पसंद होगा, चाहे वो बड़े हों या बच्चे हों। इवन अब तो फेस्टिवल्स में भी ड्राई फ्रूट का एज अ गिफ्ट के तौर पर, हैम्पर्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। घर में कोई फंक्शन है, पूजा है, तो ड्राई फ्रूट तो मस्ट है। ड्राई फ्रूट आ गए अब हेल्दी कैटेगरी में। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, एक न्यूली लॉन्च ब्रांड है JN आनंद फूड की। तो यहाँ पे आपको ह्यूज वैरायटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स की देखने के लिए मिलेगी जब आप उनकी वेबसाइट को चेकआउट करोगे। और यहाँ पे टेस्ट बर्ड को सेटिस्फाई किया जाता है, और यहाँ हर एज ग्रुप को अपनी फेवरेट जो फ्लेवर है वो मिलने वाला है। तो प्लीज़ चेकआउट दिस वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और उनकी साइट पे जा सकते हैं। इस साइट्स पे आपको देखने के लिए मिलेंगे ड्राई फ्रूट, जिसमें ड्राई फ्रूट तो इंक्लूड है ही, साथ में इंक्लूड है हेल्दी मिक्स जिनमें सीड्स, नट, बेरीज होते हैं। तो बहुत पसंद आए, तो वन बाय वन देखते हैं क्या है ये प्रोडक्ट। फर्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ मखाने। आप देख सकते हो कितने अच्छे पैकेजिंग में ये रिसीव हुए हैं। एक तो एयर टाइट इनका बॉक्स है, और बिल्कुल इसमें प्रोडक्ट आपका शो हो रहा है कि आपने कितना उसको एम्प्टी कर दिया है, कितना है। तो यहाँ पे जो मखाने मैंने लिए हैं, जो मेरा करंट फेवरेट आजकल चल रहा है, रॉक सॉल्ट, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट है। आप इसे बच्चों को लंच में दे सकते हैं, हस्बैंड को दे सकते हैं, अगर आपके घर में बड़े हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, तो उन्हें मॉर्निंग में ले सकते हैं। बिल्कुल लाइट वेट होता है, और नहीं तो आप इवनिंग में एज ए स्नैक्स ले सकते हो, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, हाई प्रोटीन होता है, ग्लूटेन फ्री होता है, जीरो कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें, और ये हेल्थ के लिए मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं। और यहाँ पे आप इन्हें स्नैक्स के तौर पर अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट मेरा ये था। और हमें मखाने क्यों खाने चाहिए, क्योंकि एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है, हाई फाइबर्स मिलते हैं, लो आपके इसमें कैलोरीज होती है, और वेट लूज करने के लिए तो ये बिल्कुल बेस्ट होता है। अगर आप स्लिम होना चाहते हो तो आप इन मखानों को ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल ही लो फैट्स इसमें अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। सेकंड यहाँ पे मैं आपके साथ शो कर रही हूँ मखाने का ही दूसरा फ्लेवर है, जो कि पुदीना में, और ये भी बहुत टेस्टी फ्लेवर है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों को, तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। और सेम इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो, बहुत सी क्यूट सी पैकेजिंग की गई है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आपने कितना इसको फिनिश किया वो भी आपको दिखेगा, ईजिली कैरी है, लाइट वेट है, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलता है 75 ग्राम मिलता है। बहुत ही ऑसम पैकेजिंग है, और खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छा है, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। तो इसमें एक और फ्लेवर है, जैसे कि मैंने बताया इनकी वेबसाइट में आपको एक नहीं बहुत सारी ह्यूज वैरायटी देखने के लिए मिलेगी, एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी आपको उसमें फ्लेवर देखने के लिए मिलेंगे। जिस तरीके से मखाने में है, आपको रॉक सॉल्ट का मिल रहा है, यहाँ पे आपको पुदीने का मिल रहा है, बट आपको यहाँ पे मिलता है लेमन चिली का, और इसमें आपको लेमन और चिली का फ्लेवर, जिनको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो वो इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आप देख सकते हो पैकेजिंग होके आया, सील प्रूफ है बिल्कुल, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो JN आनंद फूड का ये प्रोडक्ट। मुझे तो बहुत पसंद आया है और मैं यूज कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी इसका यूज करें। और जो इसका लास्ट फ्लेवर है मखानों का JN आनंद फूड का, ये है पेरी पेरी, ये भी बहुत टेस्टी होता है। जिसको स्पाइसी पसंद है वो इसको ट्राई कर सकते हैं एज ए स्नैक्स के तौर पे, और जब आपने इसको यूज़ करना है देन उसके बाद इसको आप अच्छे से क्लोज कर दीजिए, एयर टाइट हो जाएगा बिल्कुल, बिल्कुल भी इन पर हवा नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप यूज़ करोगे, और इतना टेस्टी है कि आप इसको खाए बिना तो रह ही नहीं पाओगे अगर आपने एक बार इसको ट्राई कर लिया। तो ये इनकी काफ़ी अच्छी रेंज है, और भी मैं आपको दिखा रही हूँ वन बाय वन। और जो नेक्स्ट इनका प्रोडक्ट है वो है सीड्स एंड बेरीज, ये काफ़ी ट्रेंडिंग हो रखा है, मतलब सीड्स और बेरीज का जो मिक्सचर बनाया जाता है इम्यूनिटी के लिए बेस्ट होता है, एक तरह बूस्टर का काम करता है। इसमें आपको मिलते हैं रोस्टेड पम्पकिन सीड्स होते हैं, रोस्टेड सनफ्लावर सीड्स हैं, रोस्टेड फ्लैक्स सीड मिलते हैं, और कैनबरी होल आपको मिलता है, ब्लूबेरी मिलता है, ब्लैक सीड्स मिलते हैं, और नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ है, और बहुत ही अच्छी इसकी पैकेजिंग है। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको मिलता है, और पूरा इसमें मेंशन कर रखा है कि क्या क्या उन्होंने यूज़ किया गया मिक्सचर है। इसमें भी दो तीन वैरायटी वहाँ पर अवेलेबल है। फर्स्ट है हेल्दी मिक्स, जिसमें सीड्स, नट्स एंड बेरीज है, सेकंड है सीड्स एंड बेरीज इम्यूनिटी बूस्टर है, और ये दोनों इम्यूनिटी के लिए यूज किए जाते हैं। और जो आपको ये हेल्दी मिक्स मिलता है ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम करता है, और ये कंटेन करता है हेल्दी सीड्स, और ये इसमें होती है ब्लूबेरीज, जो कि हमारे हेल्थ के लिए और हमारे को प्रोटीन प्रोवाइड करती है, बेस्ट इन मॉर्निंग। अगर आप इसे मॉर्निंग में लेते हो तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। इसमें सबसे अच्छा लो फैट्स कैटेगरी होती है, रिच इन प्रोटीन्स होता है, विटामिन ई, ओमेगा 3 है, गुड फॉर एक्टिव लाइफ स्टाइल। जिस तरह का आज का लाइफ स्टाइल है तो मस्ट है कि इस तरह की इंस्टेंट चीज़ें हमें मिले जो कि हमारे को इम्यूनिटी दे, और इसमें आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, टोटली गुड फॉर हेल्थ है ये प्रोडक्ट। और आपको यहाँ पे मिलती है प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। तो जो हेल्दी मिक्स वाला प्रोडक्ट है इसमें आपके मिलते हैं रोस्टेड पम्पकिन सीड, रोस्टेड सनफ्लावर सीड्स मिलते हैं, रोस्टेड फ्लैक्स सीड मिलते हैं, आपको एलमंड मिलता है, आपको यहाँ पे कैनबरी मिलता है, कैश्यू मिलता है, चेरी मिलता है, और यहाँ आपको आंवला भी मिलता है, और ब्लैक बेरीज भी मिलती है। तो सारी अच्छी जो भी मिक्सचर बनाया गया बहुत ही अच्छा बनाया गया, और खाने में भी बहुत टेस्टी है, क्रंची है, डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो। जो भी आपको पसंद आ रहा है आप इनकी वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हो। अब मैं दिखाऊंगी आपको ड्राई फ्रूट, जो कि हम
एज अ गिफ्ट के तौर पे यूज करते हैं, इन सबको भी आप गिफ्ट हैम्पर के तौर पे यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ एलमंड्स, जो कि है कैलिफोर्निया एलमंड ग्रीन। बहुत ही अच्छी इसकी क्यूट सी पैकेजिंग है, आप देख सकते हो ऑसम पैकेजिंग की गई है यहाँ पे। और जो एलमंड होते हैं ये तो हम काफी टाइम से खा रहे हैं। एलमंड्स क्या होते हैं, ये आपका हाई, इसमें आपको हाई फाइबर मिलता है, बूस्ट करता है आपकी इम्यूनिटी को, और रियल नट से बने होते हैं और बहुत ही क्रंची फ्लेवर आपको इसमें मिलता है। जीरो कोलेस्ट्रॉल अवेलेबल होता है, ग्लूटेन फ्री होते हैं, प्योर नेचुरल होते हैं, नो जीएमओ होता है इसमें। तो बादाम ब्रेन के लिए, तो जैसे बोलते हैं ना कि बादाम खाने से दिमाग अच्छा बनता है, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको दो तरह के फ्लेवर मिलेंगे, एक तो प्लेन है कैलिफोर्निया के, और दूसरे है रोस्टेड और सॉल्टेड। इसे आप एज ए स्नैक्स के तौर पे या एज ए गिफ्ट के तौर पे यूज कर सकते हो। तो बहुत ही गुड क्वालिटी के एंड बेस्ट प्राइस में आपको मिलने वाले हैं, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। और ऑसम इसकी पैकेजिंग है। और पिस्ता तो मुझे बहुत ही पसंद है, मेरे बेटे का भी फेवरेट है, क्योंकि इसमें आपको एज अ हेल्दी स्नैक्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही डिलीशियस यम्मी टेस्ट इसका होता है, सॉल्टी फ्लेवर आपको मिलता है, और आप बोल सकते हो कि क्रंची एंड फ्रेश इनके प्रोडक्ट हैं सारे। आप कोई सा भी ट्राई कर सकते हो, सब आपको अच्छे क्वालिटी के, गुड आपको पैकेजिंग रिसीव मिलेगी और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी। और सारे जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत ही अच्छे से पैकेजिंग होके आते हैं। और पिस्ता क्या करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। इसमें विटामिन्स होते हैं, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, तो इसको भी डेफिनेट आप ट्राई कर सकते हो। और नेक्स्ट है मेरे पास कैश्यूज, और कैश्यू में भी यहाँ पे आपको प्रीमियम क्वालिटी के कैश्यूज मिलते हैं। और यहाँ पे जो कैश्यूज आपको मिल रहे हैं वो है रियल टेस्ट ऑफ इंडिया, इसमें आपको मेंशन हो रखा है। तो बहुत ही अच्छी क्यूट सी पैकेजिंग है, और यहाँ पे आपको रोस्टेड एंड सॉल्टेड कैश्यू भी मिलते हैं, और जो प्लेन होते हैं वो भी मिलते हैं। तो जो भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है आप ले सकते हो। कैश्यू में रिच इन फाइबर होता है, आपकी एनर्जी को मेंटेन करके रखते हैं, और यहाँ पे आपको बोन्स के लिए भी ये बेस्ट होता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, और सबसे अच्छा है इसके टेस्ट भी बहुत अच्छा है, क्रंची आपको मिलेंगे। तो डेफिनेटली आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। मतलब वहाँ पे आपको ह्यूज रेंज मिलने वाली है, तो आप प्लीज उनकी वेबसाइट को चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन में भी शो हो जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं।